है वो? ये पापा, माँ, आगे। पापा, ये वही औरत है जिसने। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, आपको अकेला छोड़कर हम सब बाहर आ गए। जैसे नियति ने जिस तरह आप लोगों को बुलाया, मैं तो घबरा ही गई थी। नियति, अंदर इतनी जरूरी बात चल रही थी, ऐसा क्या हो गया था जो तुम इस तरह से चिल्लाई और हमें बुलाया? माँ, वो घबराहट के मारे मैंने आपको और पापा को चिल्ला के बुला लिया। मुझे लगा कि मैं नहीं पहचान पा रही तो आप लोग पहचान जाओगे। I'm sorry माँ, मेरी वजह से आप लोग डर गए। जरा मुझे भी तो दिखाइए कौन है वो औरत जिसने आप लोगों की जिंदगी में इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी कि पुलिस को आना पड़ा। I'm sorry, पहले दिन आप आई और आपको ये सब देखना पड़ा। No problem. Thank you. तो आप में से कोई भी इस औरत को नहीं जानता? बिल्कुल नहीं। तो मेरा अनुमान गलत साबित हुआ। मुझे लगा आपकी कोई दुश्मन होगी, लेकिन मेरी कुंडली में कोई आसान काम लिखा ही नहीं। चलिए, इन्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगा। कंचन जी, आपको घर छोड़ दूं? जी। चलिए। कंचन, आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की और हम सब यहाँ बैठे हैं साथ में, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ डिनर कर लें। मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। जी अंकल। चलिए। तुम दोनों को भी डिनर करके आना है क्या? तो चलो। तो क्या सोचा आप लोगों ने? कैसी लगी हमारी निशा आपको? निशा हम सबको पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शादी के लिए हम 2-3 साल इंतजार करें। मतलब जब लड़की पसंद है तो फिर 2-3 साल इंतजार क्यों करना? जाहिर सी बातें सुनते, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मैं चाहता हूँ कि निर्वाण अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मेरे बिजनेस को ज्वाइन करे और निशा की जिम्मेदारी उठाए। क्यों निर्वाण, उम्मीद है कि तुम भी यही चाहोगे कि तुम निशा की जिम्मेदारी उठाओ और अगले 2-3 साल में तुम सेटल भी हो जाओगे। जी। और निशा, तुम भी 2-3 साल में निर्वाण को और अच्छी तरीके से जान जाओगे। जी। वेल, आई होप कि आप सबको मेरे डिसीजन से कोई आपत्ति ना हो। मिस्टर खन्ना, आपके असूलों के बारे में सुना तो बहुत था, आज देख भी लिया, मुझे मंजूर है। लेकिन रिश्ता तो तय हुआ ना? जी। बधाई हो सबको।
फिर तो मुंह मीठा करना चाहिए। निशा कार से केक ले आओ। जी मैं लेके आती। अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ चलता। ये केक निशा ने अपने हाथों से बनाया है और मेरे ही कहने पर इसने आपके घर की इमेज इस पर सजाई है। बहुत पसंद है इसे आपका घर। Very interesting, I must say. Yeah, actually, जब भी मैं इस घर के सामने से गुजरती थी तो मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आता था कि कोई तो बड़ी सोच वाला इंसान होगा जिसने इतनी ऊंचाई पर यह घर बनवाया है। Thank you. निर्वाण आगे आओ। निशा का हाथ थामो और केक काटो। ये तुम लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत है। लो आगे बढ़ो। सचमुच तुमने शुरुआत कर दी निर्वाण, अपने हाथों अपना घर तोड़ने की। कंग्रेचुलेशन भैया। वाओ आई एम सो एक्साइटेड। आज कोई डाइट नहीं, आज मैं खूब केक खाऊंगी। थैंक यू। नाइस केक। नियति तुम भी खाओ। एक्चुअली आंटी अक्षत कहीं दिख नहीं रहा है ना, उसे केक बहुत पसंद है तो मैं केक उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं इसे केक लेकर ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ फ्लर्ट कर रहा है। मन तो कर रहा है ये केक इसके सर पे दे मारूं। मैं बात में ओके। तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? कर ली कंचन से बात। कंचन? कंचन से क्यों बात करूंगा? कंचन तो हमारे सामने खड़ी है, मैं उसे कॉल क्यों करूंगा? तू मुझे सिखा रहा है फ्लर्ट कहीं का? अरे डफर, मैं उस ऑफिसर भारत से बात कर रहा, मैं उसे पूछ रहा था कि हम उस औरत को कैसे पहचानेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई उसे पहचानता नहीं। ये तेरा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? और एक्सक्यूज मी, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं कंचन से फ्लर्ट कर रहा हूँ? वो मैं
माथा कितना गर्म है यार तेरा। इसे थोड़ा ठंडा कर, रिलैक्स कर, अच्छा लगेगा। और वो नियति कांगे जो हर मुश्किल को 2 सेकंड में सॉल्व करके ये चेहरे पे बड़ी सी 200 वॉट की स्माइल ले आती थी। मिल जाएगी वो नियति भी, मिल जाएगी। पहले मेरी फैमिली से ये टेंशन खत्म हो जाए। माता जी प्लीज उस औरत को पकड़वा दो, मेरी फैमिली से ये टेंशन खत्म करवा दो। अरे मैं तेरे लिए केक लेकर आई थी, भैया का रिश्ता तय हो गया, सभी शादी को 2-3 साल। केक? यार केक तो मुझे बहुत पसंद है। तभी तो लेकर आती थी टिफिन में, याद है? बहुत यम्मी है। आ, तो नाइस। खा लो नियति, इस केक का स्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दुआई, अपने से खाना। ओके। यार ये हवा भी ना सारा केक खराब हो गया। अक्षत एक बाइट देना, टेबल पर भी केक खत्म हो गया। दे, मोटी हो जाएगी। नहीं दे ना, तू दे रहा कि नहीं? पागल हूँ जो इतना यम्मी केक कैसा शेयर करूँगा? अक्षत निर्वाण भैया का रिश्ता का केक है, ला दे। नहीं मैं नहीं दे रहा। एक बाइट दे दे यार। अक्षत कहाँ थी तुम? इतनी सारी तैयारियां करनी, चलो अब शुरू कर दो। पापा क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगले कुछ दिनों में निर्वाण और निशा की शादी है। कुछ दिनों में मतलब? आपने तो कहा था कि 2-3 सालों में। अरे 2-3 साल कहाँ, बस एक दिन में सगाई और फिर शादी। पापा बट इतनी जल्दी क्यों? जल्दी हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं माँ, लेकिन फैसला हो चुका है नियति, बस। सुपर फैसला आंटी, बहुत दिन से वैसे भी किसी शादी में नाचे नहीं। मजा आएगा शादी, एंजॉय, फंक्शन, डांस। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। ये सबको हो क्या गया अचानक, खासकर पापा को? पापा बट आप तो चाहते थे कि निर्वाण भैया पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट बन जाएं और फिर शादी करें, तो अचानक आपने नहीं डिसीजन क्यों बदल दिया? ये नियति इतने सवाल क्यों कर रही है? इसने तो केक खाया ही नहीं, मगर फिर भी इसे अपने मकसद के बीच तो नहीं आने दूंगी मैं। सब बड़े बात कर रहे थे तो बातों बातों में लेकिन पापा। लेकिन क्या नियति, तुम निर्वाण की खुशी नहीं चाहती क्या? और वैसे शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ती है तो लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, जैसे तुम्हारे पापा। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब दोनों मिलकर कोशिश करें। अब देखो ना, जैसे मेरी कामयाबी के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है, मेरी पत्नी, वैसे निर्वाण की कामयाबी के पीछे निशा का हाथ होगा। क्यों बेटा? ये अचानक पापा और माँ को हो क्या गया है? इतनी देर में ऐसी क्या बातचीत हो गई कि सबकी सोच ही बदल गई? अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ आने से पहले अपने पंडित जी से कंसल्ट कर लिया था। उन्होंने इन दोनों की कुंडली को देखकर कल का मुहूर्त शुभ बताया है। कल?
आंटी इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? तैयारियों के बारे में सोचना बड़ों का काम है नियति, और जब हम फैसला ले चुके हैं तो बार बार आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही है? नियति बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। है बिल्कुल, अगर हम लोग जलसा में 2 दिन में शिफ्ट हो सकते हैं तो सगाई कल क्यों नहीं हो सकती? नियति बेटा, अब जब मियां बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी? 2 घंटे के अंदर मसूरी का बेस्ट वेडिंग प्लानर हायर करके सारी की सारी तैयारियां करा दो। कल ही कल में एंगेजमेंट जैसा कि इन्होंने कहा, और उसके 2-3 दिन बाद मोहरा देखकर शादी कर देना। ये डोंट वरी नियति, शादी की तैयारियों में तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि ये 2-4 दिन में हमारी शादी होने वाली, और उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे फॉरएवर। सब लोग अगर यही चाहते हैं तो यही सही, मैं बस निर्वाण भैया को खुश देखना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल मैंने ही पापा को निशा से मिलने के लिए मनाया। अब खन्ना परिवार खुद अपनी बर्बादी के जश्न में नाचेगा और मैं तमाशा देखूंगी। संभाल के जाना। डोंट वरी, मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रखूंगी। अब चले। नमस्ते। नमस्ते। पृथ्वी खन्ना, जियो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहो तुम सब। जो केक तुमने खाया है वो शादी का ये फैसला कभी बदलने नहीं देगा। निशा बेटा, इतना बढ़िया केक खिलाया तुमने अपने होने वाले सास ससुर और उसके परिवार वालों को। तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। पर याद रहे, ये एक्टिंग यूं ही बरकरार रहनी चाहिए, वरना तुम्हारी ये नकली माँ क्या कर सकती है? पक्का नमूना तो तुम देख ही चुकी हो ना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मेरा पंख तुम्हारे असली माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। प्लीज, अब जैसा बोलोगी ना मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। शाबाश, गुड गर्ल।